वेलकम फ्रेंड्स टू दिस डीटेक यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एप्सन 805 का फुल अनबॉक्सिंग। इस सीरीज में आपको एप्सन 805 का फुल अनबॉक्सिंग उसके साथ साथ इसके नेक्स्ट वीडियो में ड्राइवर इंस्टॉलेशन सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे है इसका फीचर्स और क्या क्या है इसके बॉक्स के अंदर। तो ये है एप्सन 805 का बॉक्स। तो यहाँ पे आपको वाईफाई भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ इसका जो मेन फीचर्स जो है वो है कि ये फुल बॉर्डरलेस पिक्चर को प्रिंट कर सकता है। उसके साथ साथ एक अब जो सीडी है ना, सीडी के ऊपर भी एक वाइट सीडी के ऊपर ये प्रिंट कर सकता है। और इसके साथ साथ जो आधार कार्ड है, आई कार्ड है, जो स्मार्ट मतलब पीवीसी के जो ऊपर जो प्रिंट होता है वो भी इस प्रिंटर के जरिए प्रिंट हो जाता है। तो इसके अनबॉक्सिंग मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 6 कलर है। नॉर्मली जो एप्सन L360 है या फिर L380 है वहाँ पे 4 कलर मिलता है, बट यहाँ पे आपको 6 कलर आपको मिल जाएगा। और ये है USB केबल जो आपके लैपटॉप के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पावर केबल जो आपके प्रिंटर को पावर से कनेक्ट करेगा। तो ये देख सकते हो। तो इसके बाद ये है हमारा मेन कंटेंट। तो यहाँ पे जो इस प्रिंटर में जो आपको प्रिंटिंग क्वालिटी मिलेगा वो बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलेगा, जैसे कि मतलब फोटोलैब में जैसे प्रिंट क्वालिटी मिलता है आपको वो ऐसे ही मिलेगा। ये है जो सीडी में जो प्रिंट होता है ये उसका ट्रे है, उसके साथ साथ यहाँ पे पीवीसी के ऊपर भी प्रिंट होता है। तो यहाँ पे जो आपको प्रिंटिंग क्वालिटी मिलेगा वो बहुत बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी आपको मिल जाएगा। और मतलब जैसे फोटो लैब में आपको प्रिंटिंग क्वालिटी मिलता है ऐसे ही यहाँ पे भी उसी तरह सेम मतलब क्वालिटी के फोटो प्रिंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बॉर्डरलेस प्रिंटिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो इसे अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर जो स्ट्रिप लगा हुआ है इसे पहले हटा देना है, और उसके बाद पहले इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई स्कैनर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये इसे आपको डायरेक्ट कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से आपको प्रिंट देना होगा। तो मैं इसे पावर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे पहले इसके बीच में आपको एडाप्टर मिल जाएगा, तो उसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे पावर बटन पे क्लिक करने पर ये जस्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो हेड रन होना चालू हो गया है और यहाँ पे इंक नहीं है। तो यहाँ पे जो रेड बटन है, रेड जो कलर का जो बटन है देख सकते हो वो ब्लिंक कर रहा है, तो स्टॉप हो गया। अभी क्या करना होगा आपको, यहाँ पे इंक को पुट करना है। और इंक देने वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस इंक को मतलब यहाँ पे ढाल रहे हो वो सेम इंक हो, नहीं तो आपके प्रिंटर डैमेज हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से आपको इसे वॉश करके फिर से आपको इंक देना होगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले इनको ठीक ठाक से डालना है। और यहाँ पे जो रेड कलर के जो बटन देख सकते हो, इंक डालने के बाद इसे 2 सेकंड तक क्लिक करके रखना है, दबा के रखना है, और उसके बाद ये चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई का मतलब एक बटन मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ पेज का भी बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो एक एक करके इनको सही सही मतलब जो उसके पॉड है वहाँ पे आपके उसे पोर कर देना है। तो यहाँ पे इंक देने वक्त यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से इसे देना होगा, और नहीं तो अगर इसे गलती हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकता है। यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले पावर को कनेक्ट किया और उसके बाद इंक को दे रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि पहले आप इंक दो उसके बाद पावर से कनेक्ट करो तो वो भी कर सकते हो, बट पहले आपको पावर से कनेक्ट करके उसे ऑन कर देना है, उसके बाद इसे फिर से ऑफ करके इसे आप इंक दे सकते हो, वो सेफ रहेगा ज़्यादा। क्योंकि अब पावर ऑन रहने पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता है बट हो भी सकता है, तो इसलिए आप पावर को डिस्कनेक्ट करके पहले उसे ऑन कर ना होगा, उसके बाद उसे डिस्कनेक्ट करके इनको देना होगा, और उसके बाद फिर से आपको पावर कनेक्ट करना होगा, तो करना बहुत सेफ भी रहेगा। तो इसे थोड़ा सा पुश करते करते यहाँ पे इसे इनको ढाल देना है, और 2 ट्रैंक बाकी रह गया है और मैं भी उसे फिलअप कर देता हूँ।
और इसके बाद मतलब फिलअप करने के बाद ही आपको जो रबर का जो कवर मिल रहा है उसे दे देना है। और जब सेकेंड टाइम अगर आप कुछ दिन काम करने के बाद अगर आप सेकेंड टाइम इनको दे रहे हो और अगर किसी एक इंक मतलब जल्दी से ख़त्म हो गया तो उस इंक को खरीद के यहाँ पे देना होगा। और शायद पूरा फिलअप नहीं हुआ तो उस जो इंक बॉटल के ऊपर जो एक कवर मिलता है उसे ठीक से टाइट करके रखना है, नहीं तो आपकी इंक डैमेज हो सकता है। तो अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक में ब्लैक है, येलो में येलो है, जो जो कलर है उस कलर में यहाँ पे वो सही सही से है। तो इसके बाद इसे लगा देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो इस जो रेड कलर है ना, इससे इस बटन को 2 से 3 सेकंड तक इसे दबा के रखना है। तो इसके बाद देख सकते हो फ्लैशिंग शुरू हो गया, मतलब ब्लिंक हो रहा है, ये एक बार ब्लिंक हो रहा है, वो एक बार ब्लिंक हो रहा है, मतलब कि कलर फ्लैशिंग कलर चार्जिंग इंक चार्जिंग वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये करीब 30 मिनट तक चल सकता है। तो जब ये ब्लू ब्लू जो बटन है, मतलब जो पावर बटन है, वो जब मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, जब स्टॉप हो जाएगा, तब आपका जो इंक चार्जिंग है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंक है ना टैंक में, वो वहाँ से आके आपके हेड में आएगा। तो मतलब इंक चार्जिंग में मतलब जो कनेक्ट है, मतलब इंक टैंक से जो हेड का कनेक्ट है वो बन जाता है और ये कंटिन्यू रहता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो ड्राइवर है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ एक प्रिंट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियो पाने के लिए।